नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 10T 5G वर्सेस Echo 9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 10T 5G में 6.5 इंच जबकि Echo 9 5G में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 10T 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 10T 5G में 3.01 इंच जबकि Echo 9 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Mi 10T 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Mi 10T 5G में 0.37 इंच जबकि Echo 9 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 10T 5G में 216 ग्राम जबकि Echo 9 5G में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mi 10T 5G में IPS LCD जबकि Echo 9 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 10T 5G में 6.67 इंचेस जबकि Echo 9 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Mi 10T 5G में 1080x2400 और Echo 9 5G में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 10T 5G में 85.15% जबकि Echo 9 5G में 86.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 10T 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Echo 9 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 10T 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Echo 9 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 10T 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Echo 9 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 10T 5G में Adreno 650 जबकि Echo 9 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 10T 5G में Qualcomm Snapdragon 865 और Echo 9 5G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 10T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Echo 9 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Mi 10T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Echo 9 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Mi 10T 5G में Android V10 Q जबकि Echo 9 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Mi 10T 5G में 5000 mAh जबकि Echo 9 5G में 4350 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
MI-10T 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹28,960, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹34,999 में मिलता है। और बात करें EQ9 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹46,990 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi MI-10T 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें EQ9 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में EQ9 5G आगे है, मेन कैमरा में MI-10T 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में MI-10T 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है, दूसरा Vivo V21e 5G है, तीसरा Xiaomi Mi 11 Lite है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola H20 Fusion है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।